फिर चाहिए हमको एक कंडेंसर, चाहे 2.5 का हो या 3.25 का हो या 4 का हो। उसके बाद हमको चाहिए एलईडी बल्ब। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सिस्टम होगा, फिटिंग होगा, आप लाइन में बने रहो, हम आपको दिखाते हैं। दे भाई देखो आपको क्या क्या करना है, 2 तालों बिजली के रही। देखो कैसे करना है, वायरिंग करनी है, तमाम लगे रहो। एक होल्डर हमको तार बांधना है, ये तार हमने होल्ड में बांध लिया, उसको प्यार से बोर्ड फेंकते हो। और हमको ये तार बाहर निकालना है, ध्यान से देखना पूरी वायरिंग, तो भी बल्ब की लाइफ बढ़ने वाली है। ये हमारा कैपेसिटर हो गया, इसका बिस्तर का तार हमने इसमें बांध दिया होल्डर में। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, इसमें जहाँ चाहो आप तार बांध सकते हो। और ये दोनों तार हमने आपस में मिला दिए हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कि वहाँ पर कितना काम करेगा। अब हम चालू कर दिखाते हैं आपको, ये देखो ये बल्ब जल चुका है। इस तरह बल्ब करने से हमारे बल्ब की लाइफ डबल ट्रिपल बढ़ जाती है। और हमारा जल्दी बल्ब ठीक नहीं होगा ये, और इतना अच्छा आविष्कार आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर लोकल बल्ब हो या ओजल हो, कि बल्ब एक साथ जलता हो, वो बल्ब कम से कम चलेगा 10 साल। और चांदना भी तेज दिखाएगा, जो चांदना भी बढ़ जाएगा बल्ब। देखो ये हमारा लोकल बल्ब है, चांदना बफल का होता है इसका। अब देखो हमने ये लगा दिया, कभी से लगा दिया हमने इसमें कंडेंसर। देखो चांदना कितना बड़ी चांदना दे रहा है बल्ब हमारे, और मुझे चांदना दे रहा है। अब देखो हमने आपको ये आविष्कार दिखाया। अब इस बल्ब की जो लाइट है कम से कम 10 साल चलेगी, कम से कम इस बल्ब की अवधि इतनी बढ़ चुकी है कि 10 साल बंद नहीं होगा बल्ब ये। देखो कितना मज़ा चल रहा, चांदना कितना बढ़िया दे रहा, बिंदा दे रहा है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नीचे बटन लाभ बटन उसको प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको जल्द मिलते हैं, संदीप लोटे में आपका स्वागत है।